सुप्रीम कोर्ट व देश की सभी हाई कोर्टों के न्यायाधीश अब आरटीआई के दायरे में आ चुके हैं। कोर्ट आरटीआई के दायरे में आने से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी। अब कोई भी आम नागरिक आरटीआई आवेदन लगाकर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों, जजों की संपत्ति, वेतन भत्तों, पदोन्नति, नियुक्ति आदि के बारे में प्रमाणिक सूचना ले सकेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय लिया है आरटीआई के बारे में, ये ऐतिहासिक निर्णय है। इससे निस्संदेह पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी न्यायपालिका की, इसका हम अभिनंदन करते हैं। अब इससे हुआ ये है कि देश सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का कार्यालय है और देश भर के जो जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके कार्यालय अब आरटीआई के दायरे में आ गए हैं। स्पष्ट है कि आरटीआई कानून से चीफ जस्टिस का कार्यालय भी बड़ा नहीं है। और अब इससे क्या होगा कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक आरटीआई आवेदन लगाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट, जितने भी देश भर में हाई कोर्ट हैं उनके जो चीफ जस्टिस के कार्यालय में आरटीआई लगा सकता है। अब ये पब्लिक अथॉरिटी बन चुके हैं, वहाँ इनको अपना चीफ जस्टिस कार्यालय में इनको अपना जन सूचना अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, फर्स्ट पीरियड अथॉरिटी नियुक्त करना पड़ेगा। और अगर ये सूचना नहीं देंगे सही और पूरी किसी भी आरटीआई आवेदक को, तो इनके विरुद्ध जो है जैसे और सूचना अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, सूचना आयोग में अपील होती है, सेकंड अपील केंद्र के तौर पे उसमें जो है ये अपील कर सकेंगे। इसमें विडंबना ये रही है कि इस निर्णय को देने में सुप्रीम कोर्ट को 10 साल लग गए, क्योंकि ये 2010 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने ये निर्णय लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो हैं आरटीआई के दायरे में आते हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में ही चले गए थे, उन्होंने पिटीशन डाल दी थी, अपील कर दी थी। तो आज ये 10 साल के बाद जो निर्णय आया है, देश भर के तमाम आरटीआई कार्यकर्ता इसका अभिनंदन करते हैं। इससे निसंदेह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। आम लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? अब आम लोगों को ये रहेगा कि कोई भी आम नागरिक हिंदुस्तान का एक 10 रुपये का आवेदन शुल्क लगाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय में या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय में आरटीआई लगाकर सूचनाएं मांग सकता है, इनकी नियुक्तियों के बारे में, इनकी संपत्तियों के ब्यौरे के बारे में, और जो भी जो है वहाँ उनकी कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग है उसके बारे में घर बैठे वो सूचना ले सकता है, जो कि पहले इससे वंचित थे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।